I'm Dr. Harish Kumar, working as an associate professor in HEDA Department of Psychiatry at Kesselberry College, Kesselberry. आज मुझे कहा गया है कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जिसमें बायोपोलर पे हम बात करें, क्योंकि बायोपोलर डे नज़दीक आ रहा है। 30 मार्च को हम वर्ल्ड बायोपोलर डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका थीम है बायोपोलर टुगेदर। अब ये 30 मार्च को हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि डच पेंटर हुआ करता था विंसेंट गोग ने, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसकी जो पेंटिंग्स थी डिप्रेशन के दौरान या मेनिया के दौरान, ऐसी थी कि उसको डायग्नोज करना पड़ा कि ये ऐसे क्यों बनाता है, ऐसी पेंटिंग उसकी क्यों आती है मार्केट में। पर अब ये डायग्नोज कब हुआ? उनकी डेथ के बाद। तब तो उनकी याद में ये वर्ल्ड बायोपोलर डे सेलिब्रेट करते हैं। पर हमारा जो दूसरा मेन मकसद है इस डे को सेलिब्रेट करना, कि लोगों में अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि जो ये बीमारी है इसका इलाज हो सकता है और ये ट्रीटेबल डिजीज है। जैसे बेसिकली इसमें दो फेजेस होते हैं, डिप्रेशन और मेनिया के, मेनिया या हैपोमेनिया। अब इसमें कभी कभी जैसे बिजली होती है ना, हमारे पास कम बिजली आती है तो हम कहते हैं कि एसी चला नहीं है तो हम स्टेबलाइज़र लगा देते हैं, ज़्यादा आ रही है फिर भी स्टेबलाइज़र काम करता है। इसी तरीके से हम इस बीमारी में भी हम मूड स्टेबलाइज़र देते हैं, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट है उनका, क्योंकि वो उस हिसाब से मैनेज करती है। जब बंदे में तेज़ी आ जाती है, ज़्यादा बोलने लगता है बंदा, नींद नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कहता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं। असल में वो बेसिकली ऐसी बातें करते हैं लोग, वो कहते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं। उनको सेल्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ आना डेवलप हो जाते हैं और दूसरे को बात करने देते नहीं हैं वो लोग, तो हम उन बंदों को वो दवाइयाँ देते हैं। अब इसमें मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी वो बंदा डिप्रेशन में जाता है, कभी मेनिया में जाता है। मेनिया बेसिकली डिप्रेशन का इन्वर्स है। डिप्रेशन के बारे में तो तकरीबन अवेयरनेस है लोगों को, उसमें मज़ा नहीं आता, दिल नहीं करता काम करने का, नींद ना आना या नींद में अल्ट्रेशन आना, भूख ना लगना, एनर्जी कम हो जाना, उसमें अगर सीवियरिटी बढ़ जाती है तो बंदा उसमें सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है वो बिल्कुल ट्रीटेबल है, इसका इलाज हो सकता है, इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स और फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है अगर टाइम पे कोई बंदा इसका इलाज करा रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो, मेरा बस मैसेज यही होगा, अगर किसी के साथ भी आपका जानने वाला है, आपके घर वाले हैं या कोई दोस्त हैं, तो उसको किसी भी नज़दीकी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट के पास भेजिए, ताकि उसका जल्दी से इलाज कराया जा सके। थैंक यू।